अरफन भाई हाल एक मिनट बोलो चलो बाहर चलो चलो बाहर चलो चलो थोड़ा बाहर आ जाओ बेटा थोड़ा चलो नहीं निकलना चाहिए यहाँ से कोई नहीं जाएगा यहाँ से पहचान अंदर इधर और भी लोग हैं खड़े हैं ये कोरोना के मारे तुम लोग को के बाद में नीचे आने तक ढाई घंटे से पेशेंट नीचे ही नहीं आया हमारा। लेकिन क्या क्या हुआ था पेशेंट को क्या हुआ था? चलो बाहर चलो। एकदम फिट थे डॉक्टर बोला डिस्चार्ज दे रहा हूँ मैं। अच्छा उसके बाद में सुबह से शाम हो गई डिस्चार्ज होते होते ये टाइम हुआ और हम लोगों ने ढाई घंटा पहले डिस्चार्ज कार्ड यहाँ जमा कराए। अच्छा पेशेंट ढाई घंटे से उतरा ही नहीं। किसके हाथ में केस था? ये डॉक्टर खालिद सर। डॉक्टर खालिद सर के हाथ में था। तो अभी आपका क्या कहना है? मेरे हिसाब से ये लापरवाही बहुत बड़ी लापरवाही की है इन लोग ने। अगर हमारा पेशेंट सीरियस था तो नहीं उतारने का था नीचे। क्या कहना चाहते हो तुम? क्या कहना चाहते हो डॉक्टर लोग के बारे में? क्या कौन कह सकता है आप मुझे बताइए। सुबह से लेके यहाँ पे अभी तक के 10 मौतें हुई है। हाँ सबको यही बोला जाता है कि तुम्हारा पेशेंट अभी एकदम अच्छा है, उसको ऑक्सीजन में रखते हैं 24 घंटे के लिए, वो ऑक्सीजन में रहता ही नहीं है, फिर उसका इंतकाल हो जाता है। को लेके आए दो माले से और यहाँ के डॉक्टर इतने लापरवाही का उन लोगों को मालूम ही नहीं पेशेंट कितने माले से नीचे आ रहा है। और पेशेंट को भेज रहे किसके? दो वार्ड गर्ल और एक वार्ड बॉय के साथ। वो वार्ड गर्ल खुद चल नहीं पा रही, सुनने में आया कि हमारी बात कंप्लीट करने तो बोले ना। हाँ उसके बाद लेके आते बिना ऑक्सीजन के, बिना ऑक्सीजन के लेके आते डॉक्टर ने साथ में वार्ड बॉय को पूछे, वार्ड बॉय बोलता है डिस्चार्ज में डॉक्टर नहीं आता है। ऐसा कौन से हॉस्पिटल में होता है कि डिस्चार्ज में पहले डॉक्टर आता है बाद में वार्ड बॉय आता है बंदा? हाँ बिना डॉक्टर के वार्ड बॉय लोग ने पेशेंट को ले गया है बिना ओटी के। सुना मेरी बात यहाँ पे? हाँ बोलो ना। ओटू तो लाए नहीं साथ में, उनको उठा के जा रहे थे टैक्सी में, उठाने के चक्कर में उनकी हालत हुई खराब, भाग ऊपर ले लिए पूरा अंदर लेके गए जब अंदर पैसेज में हॉस्पिटल के, वहाँ पे कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं। वो वार्ड बॉय बेचारा भागम दौड़ी कर रहा है, वो लेके आ रहा है पूरा गैस बाटला मास्क मास्क नहीं उन लोगों के पास ओटू का। डॉक्टर यहाँ पे बैठी है, यहाँ पे एक छोटा सा कैबिन है, डॉक्टर वहाँ पे बैठी है, डोर ओपन है, डॉक्टर के कान में पूरी आवाज जा रही है, मैं चिल्ला रहा हूँ डॉक्टर है डॉक्टर है डॉक्टर, लेकिन डॉक्टर वहाँ पे फोन पे बात कर रही है। अभी आप क्या चाहते हैं? सुनो डॉक्टर के पास गया, मैं बोला मेरा पेशेंट वहाँ पे सीरियस है, डॉक्टर क्या बोलती? ये कौन सी बात हुई? जब उसको गाली दिया जब उठ के भागी, क्या बोलती मालूम है? क्या पेशेंट किधर का है? मैं बोला कालशेखर हॉस्पिटल का पेशेंट है, तो बोलती कितने माले का है? बोला दो माले का, तो बोलती हमारा काम नहीं है ये डॉक्टर यहाँ पे, इसके लिए पगार ले रहे पगार ले रहे अपनी घर मारा यहाँ पे पैसा ले रहे क्या कर रहे वेंचर ईमान देश का। अभी तुम लोग यहाँ पे इतनी बड़ी मीडिया लेके आए, इसका तुम लोग क्या करेंगे वो बताइए मुझे। डॉक्टर का नाम क्या है? खालिद डॉक्टर के हाथ में हमारा खालिद है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपको अभी क्या करना है, आप अभी क्या करना चाहते हैं? आप करना चाहते हैं बंद कर दो कल से, ये चीज बताइए, आप अपने दिल की बात बताइए। आप बंद करना चाहते हैं कर सकते हो? हर के हमारे मीडिया के जरिए आप बोलोगे यही बोलोगे ना? बाकी के जो पेशेंट है वो क्या करेंगे, कौन से हॉस्पिटल में जाएंगे फिर लोग? हाँ क्योंकि जनता बनता सब कालशेखर में आती है, क्योंकि कालशेखर वाले को बराबर से मालूम है, दो दिन छह दिन रखो बाद में मार दो पेशेंट को। लेकिन सर कहीं ना कहीं इसमें बहुत सारे केसेस हो चुके हैं, बहुत सारे न्यूज चला चुके हैं, लेकिन नगर सेवक हो या एमएलए कोई कार्रवाई नहीं करते, आप क्या मैसेज देना चाहोगे? हम लोग तो पूरी कोशिश करते हैं हमारी तरफ से, पूरी कोशिश करते हैं ना हम लोग को यहाँ से वहाँ।
अरे यहाँ पे हम अकेले पेशेंट नहीं है, हमारे घर वाले यहाँ पे जगत के पेशेंट आते हैं। जब इंजेक्शन मिल जाता है डेथ हो गई, डेथ हो गया। मैं अभी पूरा खता कुरला बुरला घूमते देखते ना, कैसा लेके आए थे, कहाँ से जाके लेके आएंगे? अभी अवेलेबल नहीं है, डेढ़ घंटा बाद घाट को पहुंचना से लेके हर एक चीज सब कुछ भाई मिली भगत है इन लोग की। इन लोग कुछ काम नहीं करते, बेंचो पेशेंट अंदर था लगातार छह दिन पेशेंट का कॉल आता था। पेशेंट की एज कितनी मालूम? 81 ईयर्स के वो बंदे मेरे दादा। ओके। और रोज फोन करते थे, वो क्या बोलते थे मालूम है क्या? यहाँ का वार्ड में इतना हरामी है, हमको सिर्फ बिठाता है, खाना नहीं खिलाता, हमको पानी नहीं पिलाता है, हमारी डायपर चेंज करता है, डायपर भी इतनी टाइट चेंज करता है कि उनको पूरा जख्म हो गया वहाँ पे। इनको फोन करे 10 फोन के बाद एक फोन उठा दे और बोलते क्या मालूम हम लोग राउंड अप पे थे, इसके लिए आपका फोन नहीं उठा पाए। जब okay. नीचे वाले को फोन करे उन लोग एक फोन में फोन उठा दे, उन लोगों का पूछा ना कि ऊपर डॉक्टर अवेलेबल है, बोलते हैं अवेलेबल है। जब फोन उन लोग खुद ट्रांसफर करते ना तो उन लोगों का फोन भी नहीं उठाते। उन लोग छह दिन में आपने कभी एक भी बार जाके देखे अंदर? जाने देते हैं अरे भाई, अगर जितेंद्र को लेके आके भी जाएंगे ना तो लोहड़ा भी नहीं जाने देंगे इन लोग। क्या ट्रीटमेंट दे रहे क्या नहीं दे रहे कुछ पता नहीं। दादा सिर्फ बोलते थे दिन में दो इंजेक्शन दे रहे, बस दिन में दो इंजेक्शन दे रहे, उसके अलावा कुछ नहीं दे रहे। कुछ बताया जाता है खाने में क्या? हम लोग बोले पेटी किट पहन के तो जाने दे यार, तो देना वीडियो कॉलिंग करा के लिए बात कर रहा हूं। अरे क्या करेंगे यार, हाँ बोलना, पूछ पूछ के थक गए कि क्या क्या हुआ बता। अरे यहाँ पे खबर नहीं दे रहे, बाहर खबर पहुँच गई इंतकाल हो गया, यहाँ खबर कोई नहीं दे रहा, कोई डॉक्टर बोल रहा नहीं कि इंतकाल हो गया, बाकी बाहर बोल रहे। डॉक्टर से मैडम से बात करते हैं, और जब हमारा पेशेंट नीचे लाए तो उसका मुंह खुला हुआ है। अगर हमारा पेशेंट की तबीयत सही नहीं थी तो आपने नीचे क्यों उतारा उसको? दो माले से दो वार्ड बॉय खाली लिए ढकेल के आ रहे, चलो जल्दी से डाल दो गाड़ी में। क्यों एडमिट कभी किया था? एडमिट 7 दिन हो गया भाई। डॉक्टर ने देखा दोपहर में कि ये हमारा पेशेंट सही है, हम इसको डिस्चार्ज दे रहे। उसके बाद में 2.5 से 3 घंटा हो गया हमारा पेशेंट नीचे ही नहीं उतर रहा है, और नीचे उतरा तो आधा मरा हुआ निकला। पेशेंट का नाम क्या था? नबीउल्लाह कुरैशी। क्या बीमारी थी उनको? ये लोगों के हिसाब से तो कोविड दिखाया, जबकि वो अस्थमा से 15 साल से बीमार है, अस्थमा से। उनको फर्स्ट क्लास थे, हम लोगों से हर वक्त बात कर रहे, बातचीत कर रहे, सब कर रहे, और ये 10 मिनट में हमारा पेशेंट खत्म हो जाता है। यहाँ कोरोना हो गया, मतलब पेशेंट की डेथ हो गई, आप लोगों को पता नहीं चला? नहीं, हमारे सामने पेशेंट का मुंह आधा खुला हुआ, आंख चढ़ी हुई। मैं बोला आप डॉक्टर सब क्या हो रहा है? कौन सी बोले थे? बोले नली खराब हो गई है, नहीं लग रही है। कौन सी नली बोता? कौन सी नली नहीं लग रही थी? कुछ नहीं है। पर जब हमारे पेशेंट की तबीयत सही नहीं लगी, आपने नीचे क्यों उतारे? उसका मुंह खुला हुआ है, उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो तुमको उसको नीचे नहीं लाना चाहिए, उनको डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए। पेशेंट को आपने कब एडमिट किया था? 7 दिन हो गया हम लोग के पेशेंट को एडमिट किए हुए। 7 दिन हो गया था। हाँ, ये यहाँ पर क्या कांड हो रहा है? इनको क्या फायदा मिलता है मारने से? हम लोगों को नहीं मालूम। डिस्चार्ज करने का क्या समय बताया था आपको? डिस्चार्ज करके हम लोगों को 5-6 बजे हम लोगों का डिस्चार्ज हो गया था। हाँ, और अभी क्या टाइम हो रहा है आप देखो, 9 बज रहा है। 3 घंटे से हमारा पेशेंट नीचे ही नहीं उतर रहा, 2 माले से। आप 4 दिन पहले मेरे मामू जी मौत हुई है, क्या है 4 दिन यहाँ से हंसते खेलते आए थे, उनका ठीक है क्वारंटाइन हो जाएंगे 14 दिन के लिए। ये लोग भी यहाँ तक सबने बोले थे कि यहाँ पे 14 दिन के लिए क्वारंटाइन हो जाओ, ठीक है यहाँ पे क्वारंटाइन हो गए। डिस्चार्ज करने के लिए डिस्चार्ज अभी शाम भी एक दिन ठीक थे, दूसरे दिन दवा हुआ फेंक दिए, बोले झाड़ू मारे तो दवा मिल रही है, दवा नहीं मारे। फिर ये लुमानी के साथ भी हुआ, 4 दिन इंतकाल हो गया, अभी 14 दिन लुमानी का मेरे लोग शाम में बोलते हैं ना तो उनको कोई इंजेक्शन अरेंज करो, वो भी तुम लोग इंजेक्शन अरेंज करना किसका काम है? हमारा काम है, हम लोग ने इंजेक्शन अरेंज किया। 40,000 का इंजेक्शन मंगाते हैं, पेशेंट अब कौन जाता है? गरीब आदमी कहाँ से लाएगा 40,000 रूपए का इंजेक्शन? इंजेक्शन मिल गया, गवर्नमेंट मंत्री हम फ्री कर रहे, हम पूरा इलाज फ्री कर रहे, उसके बाद जाके एक इंजेक्शन 40,000 का लेके आ गए। वो डॉक्टर का मन बोले, उसने ना ब्लॉक करके भी रखा है, कॉन्टेक्ट नंबर भी ब्लॉक करके रखा है वो डॉक्टर ने। तो अभी आप लोग क्या चाहते, क्या मांगे आप लोगों की? इसके खिलाफ यहाँ पर इंक्वायरी हो, ये पेशेंट क्यों मर गया?
पुलिस ने इसके खिलाफ कंप्लेंट होना चाहिए, एफआईआर होना चाहिए। एफआईआर के अलावा छोड़ो, पेशेंट के आगे सांस में तकलीफ है, कुछ भी उसको पहले तकलीफ है, कोरोना सीधा ये खेल चल रहा है कोरोना का। जब भी पेशेंट सर्विस अभी रिपोर्ट आएगी, कोई भी पेशेंट रहे चाहे 18 साल का बंदा रहे, चाहे 28 साल का, चाहे 65 साल का, सबकी रिपोर्ट पॉजिटिव कैसे आती है, पूछे किस तरीके से पॉजिटिव है, जो सिम्टम हॉस्पिटल में जिस दिन में लेके आया हूँ एडमिट कर इंतकाल हो गया, ये झंडा बन गया है। मालूम है 3000 रुपए दवा नहीं है दो, तो हम आईडी कोई मेडिसिन नहीं है, कोविड की कोई वैक्सीन नहीं है, तो भी कोविड से बंदा कैसे आता है रिकवर होके, मुझे तो ये नहीं बता सकते। यहाँ पे जो जहर इंसान है उसको मार देता है, जवान है उसको बचा लेता है, कोविड-19 की फाइल चल रहा है, ठीक है। इतना लापरवाह हॉस्पिटल कैसे हो सकता है, कोविड-19 की फाइल कैसे खुलवा सकता है? पैकेज आपको क्या बताया गया था रफीक भाई? पैकेज तो बताते हैं 25,000 रुपए का, कि आपके अप्रूवल हुआ 25,000 हॉस्पिटल में। अब गवर्नमेंट में होता है 2,50,000 रुपया। आम आदमी को ये सब नॉलेज नहीं रहती है, वो बेचारा बेवकूफ बने रहता है, वो बोलते हैं वहाँ पैसा भरो 80,000-60,000 और भरो, 80,000 और भरो, जबकि गवर्नमेंट से पैसा लेते ही ये लोग अप्रूवल होने के बाद। देखिए मेरे पास अप्रूवल है जितने का, 25,000 रुपए का उसके जज्बात है, उसका गुस्सा है। ये देखिए गवर्नमेंट की तरफ से ये अप्रूवल 20,000 रुपए का, और इसके लिए भी कितनी भागम दौड़ी करनी पड़ती है, और इसके लिए 10 आदमी के पैर पड़ना पड़ता है, भाई पास कर दो, भाई पास कर दो पड़ता है। और गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम है 2,50,000 रुपया गरीब के लिए फ्री, और गरीब का मार के फेंक देते। सबसे बड़ी बात तो सब मालूम है, पेशेंट बिना ऑक्सीजन के रह नहीं सकता है, तो पेशेंट को बताइए। हम लोगों को पता चला 2 मौतें हुई है, एक बुजुर्ग है उनके एक परिवार वाले हैं, और एक श्रीलंका की महिला है उस्मान भाई करके जिनकी मौत हुई थी, उनकी पत्नी है, उनकी वाइफ है, उनकी मौत हुई है, ये दोनों परिवार के लोग इकट्ठा है यहाँ। मेरी एक सिंपल सी बात मैं पूछ रहा हूँ, अगर पेशेंट मेरा सही है तभी आप डिस्चार्ज दोगे, अगर सही नहीं है तो आप डिस्चार्ज नहीं दोगे। यानी डिस्चार्ज दिया गया, डिस्चार्ज हो के नीचे उतार के 2.5 घंटे से डिस्चार्ज होने के बाद, पेशेंट 2.5 घंटे के बाद 2 माले से नीचे आ रहा है, आधा मरा हुआ, जिसका मुंह ऐसा खुला हुआ है और आँख ऊपर चढ़ी हुई है, हम लोग हिला रहे हैं, आप क्यों नहीं बात कर रहे हो? रिपोर्ट में लोग ने डिस्चार्ज भी दे दिया था, जितेंद्र है डॉक्टर है। भाई 7 दिन में कितना पैसा भरे? 7 दिन में आपने कितना भाई? हमने पहले उस्मान भाई का जब मसला इंतकाल हुआ है 1,00,000 रुपए हमने भरे, ठीक है, जिसमें आधा उनका इंश्योरेंस से हुआ, बाकी वो हम लोग ने कैश भरे। अभी इनका अभी तक हमारे को बिल नहीं आया, लेकिन इंजेक्शन का जो है 45,000, ये बगैर पैसा अगर नहीं आता है ना तो ये लोग नहीं लगाते इंजेक्शन। सबसे अहम जो रोल इनका जो है ना कि इंजेक्शन का पैसा डालो तब हम इंजेक्शन लगाएंगे, पैसा आएगा तो लगाऊंगा। और अभी आज अचानक चार मैं तो यहाँ से हिलने का ही नहीं, बॉडी अच्छी आती है, मरे हुए जाते हैं। अंदर का ले लेते हैं, उसके 2,000 रुपया। पहले से इधर डॉक्टर है क्या? इधर पहले पूछो डॉक्टर है क्या? इधर डॉक्टर बात करे तो यार नहीं, डॉक्टर है ही नहीं इधर, एक ही बैठे ना डॉक्टर इधर, इनको ही मारो पड़ेगा। पहले से इधर कोरोना अभी चालू है 3-4 महीने से, उससे पहले से इनका ही हो हाल है। अगर बच रहा है वो इंजेक्शन लगा के तो
अगर रिश्तेदारी रहेगा तो ही आवाज उठाने का, किसी और के लिए आवाज नहीं उठाना। मेरे कोई नहीं है, मेरे यहाँ कोई एनिमी नहीं है, मेरे यहाँ कोई नहीं है, एक भी रिश्तेदार नहीं मेरे। दूसरों के लिए आई हूँ मैं यहाँ पे, दूसरे के लिए मेरे कोई रिश्तेदार या सगे वाले नहीं है। ऐसा क्यों? अरे ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? जो रात में लगाते हैं सुबह में खाते हैं, ऐसा कौन सा इंजेक्शन है? 45-50 हज़ार का कौन सा इंजेक्शन है? वो सिर्फ हम लोग को ज्यादा सवाल नहीं करना है, हम लोग को ज्यादा सवाल नहीं करना है। मुझे और ये बताओ कौन सी बीमारी ऐसी है? कोरोना कोई बड़ी बीमारी नहीं है जो इतना बड़ा इश्यू बना के रखे, छोटी सी बीमारी है, पर ऐसा इतना बड़ा कौन सा इश्यू है? जो सर्दी होती है, जो भी ट्रीटमेंट हुए हमने बड़ी डिटेल से भाई के साथ एक एक ही बोलेंगे। सर्दी हुई तो कोरोना ना, सर्दी हुई तो कोरोना, सांस चले तो कोरोना, नहीं सिर्फ सांस चल रही है, सांस चल रही है तो मेरा कोरोना। अरे दम्मा भी हो सकता है, जरूरी नहीं कोरोना ही है, सांस चले से दम्मा होता है या सर्दी से इंसान को तकलीफ होती है। अरे कोरोना बोल के इतना बड़ा पहाड़ बना दिया, हमको सुबह से शाम तक सीसीटीवी इंजेक्शन 35,000 का इंजेक्शन लगा है, वो इंजेक्शन हमारे को दिखाओ और वेंटिलेटर में कब चढ़ा, वेंटिलेटर से कब उतरा है।